IVF कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। आज मैं आपको IVF की पूरी प्रक्रिया सरल और आसान तरीके से समझाऊंगी। IVF का इलाज आमतौर पे मासिक के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होता है। तो मासिक आने पर आप फोन करके हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और आपको हम दूसरे या तीसरे दिन क्लिनिक बुलाते हैं। आपके आने पर मैं पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड करती हूँ देखने के लिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं कि नहीं, आपके यूट्रस और ओवरीज, आपकी बच्चेदानी और अंडेदानी इलाज शुरू करने के लिए ठीक हैं कि नहीं। इस अल्ट्रासाउंड के पश्चात आपके हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। 8 से 10 दिन तक IVF की प्रक्रिया में इंजेक्शन लगते हैं, कभी रोज एक और कभी कभी दो दो। तो इन इंजेक्शन्स को हम क्यों लगाते हैं? हर औरत के शरीर में, अंडेदानी में, ओवरी में एक अंडा बनता है। जब हम इंजेक्शन्स लगाते हैं तब हम 8 से 10 अंडे और कभी कभी इससे भी ज़्यादा बना लेते हैं। तो जितनी आपकी ओवरी में क्षमता है वो हमारे लिए उतने अंडे बना देती है। इन 8 से 10 दिनों में हम आपको हर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन अल्ट्रासाउंड के लिए भी बुलाते हैं देखने के लिए कि आपके अंडे अच्छे बन रहे हैं कि नहीं। जब आपके सारे अंडे तैयार हो जाते हैं तब प्रक्रिया होती है आपके अंडे को आपके शरीर से निकालने की। इस प्रोसेस को कहते हैं एग कलेक्शन, यानी अंडे निकालना। ये प्रोसेस बेहोश करके करी जाती है ताकि आपको कोई भी दर्द का आभास ना हो। आप हॉस्पिटल आती हैं और आपको हम एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ पर और आप पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। और आपकी बेहोशी के दौरान ही नीचे से सुई डाल करके हम आपके सारे अंडे आपके शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। जब तक आपको होश आता है 10 मिनट में आपके सारे अंडे हम निकाल चुके होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हम आपकी उसी दिन छुट्टी भी कर देते हैं और आप वापस अपने घर जा सकती हैं। आपके शरीर से हमने जो अंडे निकाले उन सबको हम एक पेट्री डिश में या एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और आपके हस्बैंड का स्पर्म उसमें हम मिला देते हैं। तो एक एक अंडा एक एक स्पर्म से मिल करके एक एक भ्रूण या एम्ब्रियो बनाता है। तो क्योंकि इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम शरीर से बाहर लेबोरेटरी में करते हैं इसलिए इसको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। 2 से 5 दिन में आपके एम्ब्रियो बन करके तैयार हो जाते हैं और आपके शरीर में हम 2 एम्ब्रियो या 3 एम्ब्रियो कभी कभी वापस डाल देते हैं। आमतौर पर हम 1 से 2 एम्ब्रियो ही डालते हैं। आपके शरीर में एम्ब्रियो डालने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। और इस प्रक्रिया में ज़रा भी पेन नहीं होता, ये सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के माफिक ही आपको महसूस होती है। आपके शरीर में आपके एम्ब्रियो डालने के पश्चात हम आपको उसी दिन घर भेज देते हैं और आपको हम बहुत सारी सलाह देते हैं। घर जाकर के आप अपनी नित्य क्रिया कर सकते हैं, जो दिनचर्या होती है हल्की फुल्की उसको पूरा कर सकते हैं, जैसे हल्का फुल्का खाना बनाना, थोड़ा बहुत टहलना, लेकिन भारी काम जैसे कूदना, फांदना, वजन उठाना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, ये सब आपको हम कहते हैं कि आप ना करें। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के 9 से 12 दिन के पश्चात आपका रिजल्ट आ जाता है और हमें उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आप सभी को मेरी तरफ से आपके IVF के इलाज के लिए शुभकामनाएँ।